जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, मोबाइल की तरह अब प्रदेश में भी बिजली के मीटर होंगे प्रीपेड। प्रीपेड से तात्पर्य है इसके लिए पहले आपको पैसे देने होंगे, अगर रिचार्ज खत्म होता है तो आपकी बिजली भी गुल हो जाएगी। दरअसल प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को अब बिजली का उपयोग करने से पहले ही मोबाइल की तरह अपने बिजली कनेक्शन के मीटरों को रिचार्ज कराना होगा। इसकी अवधि समाप्त होने से पहले फिर से रिचार्ज नहीं कराया तो बिजली कट हो जाएगी, जैसे मोबाइल में आउटगोइंग की सेवा बंद हो जाती है। इसके अलावा पोस्टपेड की सुविधा भी रहेगी। उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड के चयन करने का विकल्प मिलेगा। मीटर लगाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और वहां से मंजूरी मिलते ही टेंडर किया जाएगा। सबसे पहले सरकार विभागों में मीटर लगाने की योजना है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना बनाई है और यूं तो यह योजना 5 साल पुरानी है, लेकिन इस योजना पर अमल नहीं हो सका है क्योंकि इस योजना को अनिवार्य नहीं किया गया था। अब जाकर इस योजना को राजपत्र में प्रकाशित करके इसको अनिवार्य कर दिया गया है। अब कोई भी राज्य इस योजना को लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, यानी कि इस योजना पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पहले ही मंजूरी दे रखी है। कई राज्यों में स्मार्ट मीटर लगने भी प्रारंभ हो गए हैं और छत्तीसगढ़ में इस योजना को लेकर के तैयारी की जा रही है। सरकारी विभागों से स्मार्ट मीटर की शुरुआत होने वाली है। एक नए नियम पर जो है नए समय पर कक्षाएं लगने वाली है। बढ़ती ठंड के चलते जिला प्रशासन ने जो स्कूल लगने की टाइमिंग है इसमें बदलाव किया है। पालकों ने इसके लिए आवेदन किया हुआ था। दरअसल छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर में अब धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए कलेक्टर चंदन कुमार ने स्कूल खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। कांकेर जिले में जो स्कूल 2 पाली में संचालित होती है, वहाँ सोमवार से शुक्रवार प्रथम पाली सुबह 8 से लेकर 11:45 बजे तक, तो वही दूसरी पाली दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित करने का निर्देश जारी हुआ है। तो वही शनिवार के दिन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक की कक्षाएं 12 बजे से 3:30 पर संचालित की जाएंगी। शनिवार को हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की कक्षा सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक चलेंगी। जो स्कूल केवल 1 पाली में संचालित की जाती है, वह ठंड के मौसम में शुक्रवार तक प्राथमिक पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की कक्षाएं सुबह 10:30 से शाम 4 बजे तक ही चलेंगी। वही शनिवार के दिन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक की कक्षा दोपहर 12 बजे से 3:30 बजे तक एवं हाई एवं हायर सेकेंडरी की कक्षाएं सुबह 8 से 11:30 बजे तक चलने वाली हैं। पालकों ने इसके लिए आवेदन किया था, जिसके बाद से जहां पर जो कलेक्टर हैं चंदन कुमार, इन्होंने यह निर्णय लिया है। ATM से रुपए निकालने से पहले अब आपके लिए एक नए चार्जेस लगने वाले हैं। ट्रांजेक्शन चार्जेस में जो है बढ़ोतरी हुई है। दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका सीधा असर आपकी जेब में पड़ने वाला है। जानकारी के अनुसार अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2022 से बैंक ग्राहकों को फ्री ATM ट्रांजेक्शन लिमिट पर ज़्यादा भुगतान करने का जो है यहाँ पर ऑर्डर देगा। इसके अलावा जून में RBI ने घोषणा की है कि देश के बैंकों को ग्राहकों के लिए मुफ्त मासिक सीमा से अधिक नकद और गैर नकद ATM लेन देन के लिए शुल्क बढ़ा सकते हैं। दरों में बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। RBI द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया था कि बैंकों को ज़्यादा इंटरचेंज फीस और लागत बढ़ने की वजह से होने वाले नुकसान में थोड़ी राहत देने के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति दी गई है। फिलहाल ग्राहकों के लिए बैंक के ATM से कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन पर 1 महीने में 5 वित्तीय ट्रांजेक्शन मुफ्त दिए जाते हैं। इसके बाद हर वित्तीय ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का चार्ज है, लेकिन नए साल से यह चार्ज में बढ़ोतरी करके इसको 21 रुपये होगा। और अभी तक मेट्रो शहरों में किसी अन्य बैंक से ATM से 3 ट्रांजेक्शन और नॉन मेट्रो शहर में दूसरे बैंकों से ATM के 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त मिलते हैं। अस्पताल के बाहर बैठकर भजन गाने लगे डॉक्टर्स। सरकार की सद्बुद्धि के लिए गाया रघुपति राघव वाला भजन। 7 दिनों से OPD का कामकाज ठप बताया जा रहा है। रायपुर के 400 रेजिडेंट डॉक्टर्स यानी कि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर है। शहर के मेकाहारा के बाहर बैठकर सभी भजन गाते दिखे, तो वहीं रघुपति राघव राजा राम और सबको सन्मति दे भगवान और तालियां बजाते हुए डॉक्टर्स ने अस्पताल के बाहर बैठकर ये भजन गाया। सभी ने सरकार के जिम्मेदारी पदों पर
पर बैठे अफसरों को सद्बुद्धि मिले इसकी प्रार्थना की है। दरअसल मामला देश भर में जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का है। राष्ट्रीय आंदोलन को छत्तीसगढ़ के इन डॉक्टर्स ने भी समर्थन किया है। बीते 7 दिनों से अम्बेडकर अस्पताल में OPD का काम ठप पड़ा है, तो वह इन डॉक्टर्स ने काम करना भी बंद कर दिया है। ऐसे में मरीजों को काफी ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन नीट और PG की रुकी हुई काउंसलिंग के विरोध में है और डॉक्टर्स का कहना है कि पहले से ही डॉक्टर्स की कमी है और काउंसलिंग रुकने की वजह से नए डॉक्टर्स का भविष्य अधर में लटका हुआ है। देश के 10,000 रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त हड़ताल में है और इसका समर्थन रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में हड़ताल करके अनिश्चितकालीन तक यहाँ पर चलने वाला है। फिलहाल काउंसलिंग में देरी की वजह से इस हड़ताल को होना बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ को विकसित हुए यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य बने 21 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब तक छत्तीसगढ़ में मौसम की जानकारी के लिए सटीक जो यहां पर डॉपलर रडार है नहीं बन पाया है। अब तक जो है वेदर डॉपलर रडार छत्तीसगढ़ में नहीं लग पाया है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है और ऐसे में यहाँ ठंड, बरसात और गर्मी तीनों मौसम आते हैं। रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में भी 3 हवाई अड्डे हैं, बड़ी संख्या में आवागमन भी होता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और साथ ही साथ रायपुर जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के मापदंडों पर तैयार हुआ है। हो सकता है आने वाले समय में ये अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट भी चालू हो सके। और वहीं नक्सल प्रभावित जिलों में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान छिड़ा हुआ है। इन सब का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खेती, किसानी, हवाई, रेल, आवागमन और नक्सल ऑपरेशन, इन सभी के लिए मौसम और इन सभी के पास मौसम की सटीक जानकारी होना आवश्यक होता है। मगर राज्य गठन के 21 वर्ष बाद भी अब तक राज्य की राजधानी का मौसम विज्ञान केंद्र सैटेलाइट और गोपारा छोड़कर मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। आज तक यहां अत्याधुनिक सुविधा युक्त वेदर डॉपलर रडार नहीं लग सका है। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आया है कि 2010 और 11 में केंद्र सरकार ने इसका प्रस्ताव भेजा था, मगर जमीन का चयन नहीं होने की वजह से यह प्रोजेक्ट, इससे जुड़ा हुआ सब बजट जो है वापस लौट गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम दिन में एक बार रिपोर्ट जारी कर रहे हैं और अगर यह मशीन यानी कि वेदर डॉपलर रडार लग जाता है तो हर 3 घंटे का एकदम सटीक पूर्वानुमान जारी करना संभव हो जाता है। फिलहाल 13 मंजिला टावर लगना है। रडार लगाने के लिए कम से कम 13 मंजिला टावर खड़ा करना होता है और इसे एयरपोर्ट में लगाने की योजना बनी है। जवाद चक्रवात की वजह से ट्रेनों के पहिए थम गए हैं। रद्द रहेगी पुरी और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली कुल मिलाकर 6 ट्रेनें। दरअसल बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने आंध्र प्रदेश व ओडिशा तट पर संभावित चक्रवाती तूफान जवाद से सुरक्षा को देखते हुए पुरी व विशाखापट्टनम की ओर जाने व आने वाली कुल मिलाकर 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे ने शुक्रवार व शनिवार को 6 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का निर्णय लिया है। बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोन जवाद रविवार की सुबह ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटीय जो यहां पर तट हैं इनसे टकराने की संभावना है और इसके वजह से केंद्र सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी इस तूफान के खतरे को देखते हुए इस मार्ग की ओर से आने व जाने वाली गाड़ियों को 2 दिन के लिए रद्द कर दिया है। ओमिक्रॉन के नाम पर छत्तीसगढ़ में फर्जी मैसेजेस आजकल वायरल हो रहे हैं। स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे, धरना रैली बैन करने जैसा कोई भी आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। सरकार ने इसको अफवाह बताया है और इसका पूरी तरीके से सिरे से खंडन किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर फर्जी मैसेजेस आजकल सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। तेजी से वायरल हुआ ये मैसेज लाखों लोगों तक पहुँच रहा है और ऐसे में अब तक कोई भी गलत जानकारी न पहुँचे इसका जिम्मा उठाया है हमारी टीम ने। दरअसल अब छत्तीसगढ़ की फेक न्यूज को कंट्रोल करने और स्पेशल मॉनिटरिंग के सेल से इसे फेक बताया है। इस वायरल होते हुए फेक मैसेजेस में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बैठक ली है। वायरल मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों को स्कूल, धरना रैली वगैरह बैन करने का आदेश जारी किया है। इस जानकारी को छत्तीसगढ़ सरकार ने अफवाह करार दिया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई है और ना ही किसी तरह की आधिकारिक और इसकी सटीक जानकारी यहां पर जारी की गई है। यह महज एक अफवाह है, यानी कि अभी तक ऐसी कोई भी अफवाह यहां पर जो मैसेजेस है यानी कि बैठक है नहीं हुई है जिसकी वजह से स्कूलों को बंद किया जाए।
कोविड के नए वेरिएंट का टेंशन बढ़ता जा रहा है और इस वजह से विदेशों से रायपुर आए 16 NRI अब तक नहीं मिले हैं। 10 लोग तो गलत नंबर देकर छुपे हैं, बाकी इनको जो है प्रशासन ढूंढ रहा है। दरअसल विदेशों से रायपुर आए 16 लोग जिला प्रशासन के लिए सिरदर्द बन गए हैं। इनके बारे में कोई जानकारी प्रशासन को नहीं मिल पाई है। ये लोग कौन है, शहर में कहाँ रहते हैं, इसकी ट्रेसिंग नहीं हो सकी है। दरअसल ये सारी चिंता कोविड के नए वेरियंट ओमिक्रॉन की वजह से है। केंद्र और राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर विदेशों से लौट रहे सभी नागरिकों की जांच और उन्हें आइसोलेट करने की बात कही है, मगर पिछले एक सप्ताह से रायपुर में आए लोगों में से 16 लोगों में से अब तक जो 10 लोग हैं इन्होंने तो गलत नंबर ही दिए हैं और 4 ऐसे हैं जिनके फोन पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, यानी कि कुल मिलाकर इन लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीरगांव में सियासी माहौल गर्मा गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, कांग्रेस तो हार के डर से पीछे हट गई। भाजपा के 40 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के 40 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बीरगांव नगर पालिका चुनाव के लिए यहां पर नामांकन दाखिल किया गया है। दोपहर के वक्त भाजपा के जिला स्तर पर के नेता, पूर्व मंत्री और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों की मौजूदगी में रैली निकालते हुए सभी नेता जिला प्रशासन के दफ्तर पहुंचे। अब इसी के साथ बीरगांव में सियासी माहौल गर्म हो चुका है। अब आधिकारिक तौर पर प्रत्याशियों ने प्रचार करना शुरू कर दिया है और निकाय चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदेव साय ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता तो चुनाव मैदान में उतरने से पूर्व ही घबरा गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की घबराहट भी जायज है, आखिर वादा खिलाफी की लंबी लिस्ट है, साथ वे जनता के बीच कैसे जाएंगे, किस मुंह को लेकर जाएंगे, ये सभी बातें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वदेव साय ने कही है। छत्तीसगढ़ को एक और राष्ट्रीय सम्मान मिला है। दिव्यांगों के लिए बेहतर काम करने पर राष्ट्रपति ने किया है सम्मानित। ब्रेल लिपि, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में नेशनल अवार्ड मिला है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया है। दिव्यांग जन दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में ये अवार्ड प्रदेश को मिले हैं। तीनों ही सम्मान प्रदेश में दिव्यांग लोगों के बेहतर काम करने की वजह से प्रदेश को दिया गया है। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने राष्ट्रपति के हाथों ये पुरस्कार ग्रहण किए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने तीनों राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए सभी को बधाई देते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। प्रदेश को 3 अलग अलग कैटेगरी में ये सम्मान मिला है। इनमें दिव्यांगों के लिए पढ़ने लिखने और उनके लिए शहरी माहौल तैयार करने और रोजगार देने जैसी खासियतों की वजह से देश में छत्तीसगढ़ को सबसे बेस्ट के तौर पर चुना गया है। पहला अवार्ड बिलासपुर के ब्रेल प्रेस के नाम से, यहां दृष्टिबाधित ब्लाइंड लोगों को ब्रेल लिपि में पुस्तक, साहित्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल, एक पुस्तकालय और ऑनलाइन रीडिंग के अलावा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र तैयार करने के लिए सम्मानित किया गया है। वाकई में यहां पर ब्लाइंड लोगों के लिए इन सभी जो यहां पर साधन हैं इनको मुहैया कराना काबिले तारीफ काम है। बस्तर में एक और पुलिस कैंप का विरोध हो रहा है। सिलगेर और गंगालूर के बाद अब नारायणपुर के अबूझमाड़ में बैठे सैकड़ों ग्रामीण बोले, कैंप खुलेगा तो परेशानी बढ़ेगी। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर के सिलगेर और गंगालूर पुसनार इलाके में पुलिस कैंप का विरोध थमा नहीं है कि अब नारायणपुर में भी इसका कैंप विरोध चालू हो गया है। जिले के नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के सैकड़ों ग्रामीण अब कैंप के विरोध में लामबंद हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में सुरक्षा बलों का कैंप खुलेगा तो ये हमारे लिए काफी दिक्कत होगी, जंगल में आजादी से घूम नहीं पाएंगे। सैकड़ों ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि हमें गांव में पुलिस कैंप नहीं चाहिए, कैंप खुलने का प्रस्ताव जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम इसी तरह का आंदोलन करते रहेंगे। दरअसल नारायणपुर के नक्सल प्रभावित मेटानार इलाके में सुरक्षा बलों का कैंप खुलना है और ये ऐसा इलाका है जो पूरी तरीके से माओवादियों के कब्जे में है। पुलिस का मानना है कि यदि यहां कैंप खुलता है तो इसका सीधा फायदा इलाके के लोगों को मिलेगा, क्योंकि गांव में सड़क, अस्पताल, स्कूल समेत बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और इन इलाकों के ग्रामीणों को ये सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। साथ ही अबूझमाड़ के इस इलाके से भी माओवादी कुछ हद तक बैकफुट हो जाएंगे। बस्तर के युवाओं के लिए नक्सलियों का फरमान जारी हुआ है। शिक्षक और साथ ही साथ हेल्थ और कृषि विभाग के लिए यहां पर नौकरी मांगे, इसको कहा गया है। बस्तर फाइटर्स के भर्ती का जो है यहां पर बहिष्कार करने की भी बात नक्सलियों ने कही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने युवाओं के लिए फरमान जारी किया है। नक्सलियों ने पर्चा के माध्यम से युवाओं से कहा है कि शिक्षक, हेल्थ, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग में भर्ती के लिए सरकार से मांग करे, बस्तर फाइटर्स में न भर्ती हों। नक्सलियों ने कहा कि जनता की
सेवा करने वाले विभाग में ही वे नौकरी करें। साथ ही बस्तर के युवाओं को जल जंगल जमीन को बचाने की शपथ लेने को कहा है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो का आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।